हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में जो टॉपिक अपना रहेगा वो हमने पिछले वीडियो में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में हमने बताया था तो उसमें शीत युद्ध का भी वर्ड आया था, ठीक है। तो हमने उसमें बताया था कि अगले वीडियो में आपको हम शीत युद्ध किसे कहते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी अंत कैसे हुआ, क्या रीजन रहा, ठीक है, इसके बारे में बता देंगे। तो दोस्तों वही टॉपिक आज हम लोग चर्चा करेंगे कि शीत युद्ध मतलब किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति क्या, कब हुई, इसका अंत कब हुआ, इसका कारण क्या कह रहा, ठीक है। तो पूरा हम लोग डिटेल में समझेंगे। थोड़ा कंफ्यूजन पार्ट कंफ्यूजन टॉपिक है दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन टॉपिक तो है क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों का, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, तो इसमें कुछ जो बेहतरीन पॉइंट है वही हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग अपना टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों, शीत युद्ध यानी कोल्ड वार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसका स्थापना का शुरुआत कब हुआ, शीत युद्ध का शुरुआत दोस्तों हो गया था 1945 में, ठीक है। एक कंफर्म डेट नहीं है, कितने लोग 1945 बोलते हैं, कितने लोग 1947 बोलते हैं, तो आपको एग्जैक्ट डाटा का कोई भी कंफर्म नहीं है। हम पहले भी बता दे रहे हैं कंफर्म नहीं है इसका एग्जैक्ट डाटा, लेकिन आप 1945 से ही मानेंगे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में पूरी तरह से समाप्त हो गया था और अमेरिका जापान पे 1945 में ही परमाणु बम गिराया था। तो ये सब लेकर के दोस्तों इसमें शीत युद्ध में आता है, ठीक है। तो शीत युद्ध का शुरुआत जो है 1945 में हुआ था, और इसकी अंत की बात करेंगे, समाप्ति की बात करेंगे, अंत यानी तो 1989 यानी माल्टा शिखर सम्मेलन में हुआ था, ठीक है। 1989 माल्टा शिखर सम्मेलन में हुआ था जो दोस्तों अब देखिए 1989 है, लेकिन पूरी तरह से देखेंगे तो 1991 में ये पूरी तरह से समाप्त हुआ था, अंत हुआ था जो शीत युद्ध था, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि शीत युद्ध किसे कहते हैं। देखिए शीत युद्ध क्या है, यानी किसे कहते हैं, इसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे अच्छे से पूरा बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, तो ध्यान से आप लोग समझिए शीत युद्ध का मतलब क्या होता है। पहले देखिए कोल्ड का मतलब क्या होता है, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, यानी ये ऐसा युद्ध होता है, एक ऐसा युद्ध होता है कि ना किसी से लड़ा नहीं जाता है। अब लड़ा किससे जाता है, यहाँ पे देखिए शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें किसी प्रकार अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। शीत युद्ध ऐसा होता है यानी किसी हथियार का प्रयोग नहीं होता है। अब भाई जब हथियार का प्रयोग नहीं होगा तो इसमें सेना भी नहीं आएंगे, सेना नहीं आएंगे तो नागरिक भी नहीं आएंगे, तो इसमें युद्ध प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी आमने सामने से नहीं लड़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। इनका कहने का मतलब यही है, शीत युद्ध का मतलब यही होता है दोस्तों कि इस युद्ध में पहली बात हथियार का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब हथियार का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो उसमें सेना भी इन्वॉल्व नहीं होगा, सेना इन्वॉल्व नहीं होगा तो भाई नागरिक भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, यानी आमने सामने से वार इसमें नहीं किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी गोपनीय तरीके से शीत युद्ध किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें आगे लिखा है इस युद्ध के आरंभ की कोई तारीख भी निश्चित नहीं है, ठीक है। अब भाई जब गोपनीय तरीके से होगा तो कोई तारीख कोई कंफर्म डेट रहता नहीं है कि भाई हम युद्ध करेंगे। जैसे रूस यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है तो कंफर्म था, तो 24 तारीख को ही रूस युद्ध किया था, पहला बम गिराया था रूस, तो इसमें बम का कोई मतलब है नहीं, हथियार का कोई मतलब है नहीं, तो इसका गोपनीय होता है, तो तारीख निश्चित नहीं होता है क्योंकि यह कूटनीतिक युद्ध है। देखिये यहाँ पे आ गया ना, कूटनीतिक युद्ध है, केवल इस युद्ध को अनुमान से मापा जा सकता है कि यह कब तक चलेगा और इस युद्ध में किसी भी प्रकार के सैनिक देश के नागरिक, देखिए सैनिक देश के नागरिक घायल या मृत्यु नहीं होते हैं, ठीक है। शीत यानी कोल्ड का मतलब ही होता है ठंडा दोस्तों, एक बार फिर से बता देते हैं, शीत युद्ध का मतलब होता है कि कोई भी देश जब शीत युद्ध होता है यानी छिड़ा रहता है उसमें आमने सामने सैनिक नहीं लड़ते हैं, ना हथियार का प्रयोग करते हैं, न प्रत्यक्ष रूप से लड़ते हैं, यानी आमने सामने से नहीं लड़ते, ये गोपनीय तरीके से, राजनीतिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से लड़ते हैं। अब पूरी अच्छे से आप समझिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अब देखिए जैसे आप अपने कॉलोनी या गाँव में रहते होंगे तो गाँव में जब भी चुनाव आता है ना तो दो प्रत्याशी होते हैं, तो कुछ वोटर अपने तरफ खींचते हैं और कुछ दूसरा प्रत्याशी जो होता है वो अपने तरफ वोटर खींचता है, तो भाई उसी को कहते हैं कि अब भाई कभी कभार तो कहीं झगड़ा हो जाता है, तो दो प्रत्याशी आपस में लड़ते नहीं है लेकिन अपनी जीत के लिए दो प्रत्याशी दोस्तों जब किसी गांव चुनाव होता है, प्रधानी चुनाव होता है सरपंच का, तो दो जो क्या कहते हैं प्रत्याशी होते हैं आपस में लड़ते नहीं है, बल्कि वो
कूटनीतिक तरीके से यानी गोपनीय तरीके से राजनीतिक तरीके से अपने तरफ वोटरों को खींचते हैं, ठीक है, जाकर उनको मनाते हैं कि तुम हमारे तरफ आ जाओ, उसी बंदे को दूसरा पार्टी आएगा मनाएगा कि नहीं तुम हमारे तरफ से आओ आ जाओ, ठीक है। तो जो भाई जिसके तरफ से जाएगा, जिसके तरफ से लोग जाएंगे वही जीत जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें यही कहा गया, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शीत युद्ध का क्या मतलब है, ठीक है। अब देखिए शीत युद्ध जो शुरुआत हुआ था दोस्तों 1945 में, देखिए 1945 में शुरू हुआ था और 1991 तक शीत युद्ध चला था दोस्तों, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था दोस्तों? 1945। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में शीत युद्ध का आरंभ हुआ था। लेकिन अगर पूरी तरह से देखेंगे तो दोस्तों 1941 में जब हिटलर जर्मनी का तानाशाह हिटलर जब रूस में युद्ध किया यानी रूस पर आक्रमण किया, तो उतने समय रूस का जो हेल्प किया था वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। अमेरिका का राष्ट्रपति उतने समय कौन था? रूजवेल्ट था दोस्तों, रूजवेल्ट था। उसके बाद से रूस का उतने समय राष्ट्रपति जो था स्टालिन था, ठीक है, स्टालिन था। उसके बाद से इंग्लैंड का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देखेंगे तो विंस्टन चर्चिल था, ठीक है दोस्तों, विंस्टन चर्चिल था। लेकिन दोस्तों इसमें देखेंगे जो हिटलर था उसको हार माननी पड़ी, आप आत्महत्या कर लिया था, हार माननी पड़ी। अब जैसे वो हार माना तो रूस का मतलब क्या था कि हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया पे साम्यवाद यानी कम्युनिस्ट की धारा कम्युनिस्ट अपनाना चाहता था। कम्युनिस्ट का मतलब था दोस्तों पूंजीवाद। देखिए पूंजीवाद अलग होता है और कम्युनिस्ट अलग होता है। अमेरिका पूंजीवाद को सपोर्ट करता था और रूस जो है वो कम्युनिस्ट को सपोर्ट करता था। तो रूस जब ये इसमें लागू करना चाहा तो इंग्लैंड और रूस इस पे नाराज हो गए, क्योंकि इंग्लैंड और अमेरिका यानी अमेरिका के नेतृत्व में अमेरिका चाहता था कि पूंजीवाद को सपोर्ट करना, लेकिन रूस चाहता था कि साम्यवाद यानी कम्युनिस्ट को सपोर्ट करना, ठीक है दोस्तों। इसी में दोनों में दूरियां बढ़ती गई, दूरियां अमेरिका और रूस में बढ़ती गई। अमेरिका चाहता था कि ज्यादातर यूरोपीय कंट्री हमारे तरफ आए और क्या कहते हैं रूस चाहता था हमारे तरफ आए। तो इसमें समस्या का जब अमेरिका और रूस में दूरियां बढ़ती गई दोस्तों, इसमें देखिए पूंजीवाद को पहली बात अमेरिका सपोर्ट करता था तो इससे रूस नाराज था, साम्यवादी को रूस सपोर्ट करता था इससे अमेरिका नाराज था, और इसमें ज्यादा यूरोपीय देश जो थे दोस्तों, यूरोपीय कंट्री जो थे वो चले गए थे यूएसए के फ्लेवर में, ठीक है, फेवर में चले गए थे यूएसए के। तो इससे रूस भी बहुत ज्यादा नाराज था अमेरिका से, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें कई रीजन रहा, इसी को देखते हुए रूस काफी ज्यादा गुस्सा था और हथियार को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अपने हथियार को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद से जो यूरोपीय कंट्री थे उनको डर सताने लगा, ठीक है। एक कई ऐसे रीजन थे इसका उत्पत्ति, जो शीत युद्ध का उत्पत्ति हुई। और देखेंगे 1945 में दोस्तों, 1945 में जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ था तो जापान पर परमाणु बम गिरा था, इसमें भी बहुत समस्या था, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं ये शीत युद्ध का आरंभ किया था, उत्पत्ति किया था, ये रीजन थे, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि शीत युद्ध जब 1945 में शुरू हुआ था तो 1945 में दुनिया दो तरफ बट गई थी, एक पूंजीवादी अमेरिका, एक साम्यवादी रूस, ठीक है। पूंजीवादी को सपोर्ट करता था अमेरिका, साम्यवादी को रूस सपोर्ट करता था। दोनों आपस में दूरियां बढ़ती गई और यूरोप के देश थे वो ज्यादातर अमेरिका के फेवर में चले गए, और जो जापान था उसके बाद से और दो तीन देश थे वो सोवियत संघ के साथ चले गए, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर भारत की बात करेंगे तो भारत किसी के तरफ नहीं था, ठीक है। भारत जो अपना देश था वो किसी के तरफ नहीं था, एक गुटनिरपेक्ष था, ठीक है दोस्तों। गुटनिरपेक्ष का मतलब होता है दोस्तों ना किसी का साथ देंगे ना किसी का विरोध करेंगे। गुटनिरपेक्ष का मतलब होता है दोस्तों ना किसी का साथ देंगे ना किसी का विरोध करेंगे, यानी दोनों से हम मित्रता बना कर रखेंगे। गुटनिरपेक्ष के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है, अच्छे से समझाया है, अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे, आपको पता चल गया कि शीत युद्ध क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। अब इसका अंत देखिए कैसे हुआ। अंत दोस्तों होना स्टार्ट हुआ कब? 1989 से, ठीक है, 1989 से शुरू हुआ। देखिए 1989 में दोस्तों जो बर्लिन की दीवार एक आता है, बर्लिन की दीवार, बर्लिन में एक दीवार बनाया गया था जो
जर्मनी की राजधानी बर्लिन है उसके बीचों बीच में एक दीवार बनाया गया था, पश्चिमी जर्मनी और एक पूर्वी जर्मनी। तो पूर्वी जर्मनी को सपोर्ट करता था कौन? रूस का सपोर्ट करता था। अब पश्चिमी जर्मनी को सपोर्ट करता था अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भाई अब जो पूर्वी जर्मनी थे ये क्या कहते हैं, रूस चाहता था कि साम्यवाद यानी कम्युनिस्ट हो जाए। ठीक, कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट का मतलब होता है कि किसी भी देश में वहां का राजा ही शासन करेगा, जैसे चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, उत्तरी कोरिया हो गया, इसमें कोई ऐसा चुना नहीं जाता है अलग से, वो जो चुनेगा बराबर उसी का हमेशा आता रहेगा। ठीक है, इसी को कम्युनिस्ट कहा जाता है। और पश्चिमी जो जर्मनी था वो यूएसए सपोर्ट करता था। लेकिन दोस्तों 19 और अच्छा बर्लिन की दीवार, दोस्तों एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, बर्लिन की दीवार 1961 में बनाया गया था। अब फिर यहाँ पे आ जाइए 1989 में बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया, बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया और जो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी थी वो आपस में फिर एकजुट हो गए। ठीक है, और 1990 में दोस्तों देखेंगे तो उसके बाद से जो अफगानिस्तान में अपना सैनिक लगाया था, कौन लगाया था? सोवियत संघ, वो भी यहाँ से छोड़ छाड़ कर भग गए। ठीक है, छोड़ छाड़ करके भग गए, ये भी एक रीजन था अंतोने का। और 1991 में सबसे बड़ा रीजन दोस्तों रहा कि जो सोवियत संघ था ये 15 देशों में टूट गया, उसके बाद से कमजोर पड़ गया और अमेरिका का कुछ नहीं बिगड़ा, अमेरिका महाशक्ति बना ही रहा। ठीक है, इसीलिए 1991 पूरी तरह से शीत युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद से अमेरिका महाशक्ति बना और रूस जो है कई हिस्सों में यानी 15 देशों में टूट गया। इसका भी वीडियो हमने पूरी तरह से कंप्लीट बना दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि शीत युद्ध की शुरुआत कब हुआ, 1945 में इसकी समाप्ति कब हुआ। माल्टा शिखर सम्मेलन में शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके बाद से शीत युद्ध क्या है इसके बारे में हमने पूरा यहाँ पे डिटेल बता दिया, इसकी उत्पत्ति, इसकी रीजन क्या रहा वो भी हमने बता दिया, और इसका अंत होने का क्या कारण रहा, कब अंत हुआ, ये भी हमने बता दिया दोस्तों। ठीक है, अब आपको पूरी तरह से कंप्लीट समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर अच्छे से आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट जरूर करें, उसके बाद से चैनल को सपोर्ट करें, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।